गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ DSSSB को लेके, कि हम एग्जाम कैलेंडर को लेके, कि एग्जाम इस साल होगा या अगले साल होगा। हम लोग काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं इसको लेके, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं कि पूरी प्रिपरेशन करके बैठे हैं और जस्ट अब उनको वेट है कि हमारा एग्जाम हो जाए तो हम लोग फ्री हो जाएं। काफ़ी सारे आप में से कैंडिडेट्स ने, आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों ने अपनी प्राइवेट जॉब्स भी छोड़ दी थी फॉर DSSSB प्रिपरेशन। कुछ काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं पर अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो दे आर वेटिंग कि अगर एग्जाम अगले साल ही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और अभी भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे DSSSB एग्जाम आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस, ये मेरी भी स्ट्रैटेजी थी। तो सबसे पहले आपका जो मेन क्वेश्चन होता है, हम जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि वी शुड नो आर सिलेबस, हमारा सिलेबस एक्चुअली में है क्या, DSSSB का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले अभी तो फर्स्ट ऑफ आपको ये पता है कि अभी तक DSSSB इससे पहले कोई भी सिलेबस रिलीज नहीं करता था। इस बार पहली बार हुआ है कि DSSSB ने अपनी वेबसाइट पे अपना सिलेबस करा है अपलोड। सबसे पहला काम है आप लोगों का, अभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT की स्पेशली, तो आप लोगों का PRT की स्पेशली, तो आप लोगों का सिलेबस जो है, एग्ज़ाम जो है अगले साल ही होगा ऑलमोस्ट, तो सबसे पहले आप लोग अपने सिलेबस का उसको अच्छे से फाइंड आउट करेंगे, अपलोड करेंगे और अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखेंगे सिलेबस की। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस कि हमारा सिलेबस की हार्ड कॉपी हमारे हाथ में होना, नॉट इन मोबाइल फ़ोन, आपके हाथ में प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो जो टॉपिक्स आप करते जाएँ उस पर आप साथ साथ टिक करते जाएँ। बिलीव मी, जब इतना सारा सिलेबस होता है ना, जब हम उसको टिक करते रहते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो आपको ना एक अंदर से बहुत अच्छी खुशी देता है, एक बहुत संतुष्टि देता है कि हमने इतने टॉपिक्स कर लिए। अगर 100 टॉपिक्स है तो मैंने 40 टॉपिक आज कर लिए, 50 हो गए, 60 हो गए, इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है। तो सबसे पहले अपने हार्ड कॉपी रखेंगे सिलेबस की और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करेंगे कि सब्जेक्ट में से आपका कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे 2021 का एग्जाम जो था, अगर हम साइंस की बात करें, वो ज़्यादातर 10th बेस्ड पे था, 10th तक के क्वेश्चन से, बट अभी क्योंकि 3 साल के बाद ये एग्जाम होगा, तो आप लोग ये मान के चलिए आपको 12th तक तो पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है TGT वालों को, और PGT वालों को तो ग्रेजुएशन का भी करना पड़ेगा। इवन TGT के अंदर 10-20% आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी आता है, बट हम लोग इतना डीप नहीं जाते हैं, हम लोगों को उसमें परफेक्शनिस्ट नहीं होना है, हमें अच्छा नंबर लेके आने हैं, तो हम 12th तक का ही डिस्कस करते हैं कि हमें 12th तक करना है। नाउ आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, सेकेंड आपकी बात ये है कि आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं या कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो सेल्फ स्टडी, देखो कोचिंग अगर आप लेंगे तो कोचिंग में भी यू हैव टू ऑप्शंस, या हम ऑफलाइन कोचिंग लें या ऑनलाइन कोचिंग लें। जैसे मैं आई ऑलवेज प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि जाने आने का जो हमारा टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होता है, थकावट नहीं होती है, और ऑनलाइन कोचिंग में ही होता है, हमें काफ़ी बार रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, कई बार हमें रात का मन है हम रात को देख लेते हैं, मतलब जब मर्जी आप देख सकते हो। बट आपके जो ऑफलाइन कोचिंग होती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो अगर आप हाउसवाइफ हैं आपके भी फिक्स टाइम शेड्यूल होगा, अगर आप लोग वर्किंग है उसमें भी आपको टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता होगा, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं, तो वो लेकिन आप पे डिपेंड करता है अगर आप कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। बट कोचिंग के अलावा आपको 4-5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देने ही पड़ेंगे। कोचिंग वाले क्या करेंगे, दे विल ओनली टीच यू, आपको सारा कंसेप्ट समझा देंगे, पर अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी है, आपको अपने लिए 4-5 घंटे सेपरेटली निकालने पड़ेंगे, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे पर पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, एंड सेम ऑनलाइन कोचिंग में भी। पर सेल्फ स्टडी के अंदर क्या है, सेल्फ स्टडी वही वाले कैंडिडेट्स जा सकते हैं जिनके कंसेप्ट जो है, एटलीस्ट जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बहुत क्लियर है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, 60-70% अपने स्कूल टाइम में भी लेके आते थे एंड अभी भी आप बुक्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोचिंग की नीड होगी। अपने सब्जेक्ट के लिए तो आप खुद ही कर सकते हैं, और कोचिंग में आपको मेन होता है कि मैथमेटिक्स हमें शॉर्टकट समझने होते हैं, हमें रीजनिंग के शॉर्टकट समझने होते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश तो पढ़ने वाली है वो आप कर सकते हैं, और GK की बात हो गई, GK में भी आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं यूट्यूब से मिल जाते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपका रीजनिंग की क्लासेस हैं फ्री ऑनलाइन जैसे मैंने आपको बताया था, और आपकी इंग्लिश की भी आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, मैथ्स की आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे डियर सर के चैनल पे, और रीजनिंग की आप लोगों को संदीप सर के चैनल पे मिल जाएगी, अध्ययन मंत्रा। इंग्लिश हिंदी में सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो आप लोग आप लोग सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं अगर आप लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको 30-35 सेकेंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टोटल आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है, आपके पास 120 क्वेश्चंस होते हैं,
राइट 120 क्वेश्चंस अगर आप एवरेज डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से 35 सेकेंड एक क्वेश्चन करने को मिलता है, और आपका टाइमर कंटिन्यूसली चलता रहता है वो। और फर्स्ट सेक्शन जब आप कर लेते हैं ना, आपका सेक्शन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर फर्स्ट पार्ट में आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, GK, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। इसमें ऐसा है जैसे केंद्रीय विद्यालय में कैसा था, जो क्वेश्चंस पहले आए हम कर लेते हैं और बाद में जो जो छूट गए हम एंड में कर लेते हैं। और केंद्रीय विद्यालय में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको केंद्रीय विद्यालय की वीडियो बना के दिखाई थी कि यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर केंद्रीय विद्यालय ऑल्सो। बट DSSSC में क्या है, एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है, हर एक क्वेश्चन अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है तो 0.25 कटता भी रहेगा, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस भी करने होते हैं जहाँ पे आप गेस नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंडली एक चीज़ और होती है कि अगर आपने सपोज हिंदी स्टार्ट किया है तो आपने हिंदी के जब तक आप 20 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 20 में से अगर 18 करने हैं 15 करने हैं, तो आपको वो 15 करके अगर आपको 5 छोड़ने हैं तो वो छूट जाएंगे, आप दोबारा वो सेक्शन ओपन नहीं कर पाएंगे। आपने क्वेश्चंस कर लिए, सपोज मुझे 20 में से 12 क्वेश्चंस ही आते हैं और मैं 8 क्वेश्चंस छोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे वो सेक्शन पहले सबमिट करना पड़ेगा, तभी मेरे आगे इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा या तभी मेरे आगे मैथ का सेक्शन खुलेगा। इसमें ये चीज़ होती है, आपने अगर जो क्वेश्चन छोड़ दिया आप दोबारा से उसके क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हो। एग्ज़ाम भी टफ होता है क्योंकि इसको ऑल ओवर इंडिया का बच्चा देता है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू सेटल इन डेली गवर्नमेंट जॉब, डेली आपकी, इसीलिए ये वाले एग्ज़ाम्स जो होते हैं हर एक पर्सन के लिए वैलिड होते हैं। बट येस, जो OBC कैटेगरी होती है, अगर आप अदर स्टेट OBC है तो आप लोग जनरल कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए जाते हैं, माने जाते हैं, बट SC ST को, EWS को, फिजिकली हैंडीकैप को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलता है। देन आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एटलीस्ट जब तक आपका 75-80% सिलेबस नहीं हो जाता है आप मॉक टेस्ट मत करिए। मॉक टेस्ट तभी करिए क्योंकि मॉक टेस्ट क्या करते हैं ना, एक तो आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं, एक आपको पता लग जाता है कि आप कितने पानी में, कितनी प्रिपरेशन एक्चुअली में हुई है और कितने हमें करनी है, कितनी नहीं हुई है, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसलिए मॉक टेस्ट अभी करें जब 75-80% आपका एग्जाम जो है कंप्लीट, मतलब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि अब हमें कहाँ पे हमारी कमी है, कहाँ पे हमें वर्कआउट करना है। देन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मैंने आपको बता दिए, वो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए करने बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बोलते हैं ना प्रैक्टिस इज़ अ की टू सक्सेस, अगर हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होती है, परमानेंट होने लग जाती है, परमानेंट मेमोरी में वो स्टोर हो जाती हैं। एंड डू नॉट बर्डन योर सेल्फ, अपने दिमाग को किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखिए। अगर इसको पूरी ज़िंदगी समझ के करेंगे कि हाँ हमारी ज़िंदगी अगर ये नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े कि ये नहीं हुआ तो मैं ऐसे कर लूँगा ऐसे कर लूँगी, तो ऐसा नहीं सोचना है, इसको एक जॉब की तरह देखना है और तभी उसके लिए मेहनत करनी है। ऐसा नहीं सोचना है, ये भी सोच के रखना है मतलब अगर ये नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूँगी या क्या करूँगा, क्या आपकी प्लानिंग है, तो इसी पे पूरा टोटली डिपेंडेड। यस, अपना 100% ज़रूर देना है, पर अपने आप को इतना बर्डनाइज नहीं करना है, इतना स्ट्रेस में नहीं लाना है कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओ। अपनी तरफ से बेस्ट दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, बट अपनी अपने दिमाग में किसी भी तरह की टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली हाउसवाइफ्स के साथ या वर्किंग के साथ बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, कई बार घर में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पे, कई बार स्कूल में किसी वजह से डांट पड़ जाती है हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कई बार स्कूल का रिजल्ट बनाना होता है, कई बार घर में गेस्ट आ जाते हैं तो इस वजह से हम क्या होते हैं बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना गुस्सा आने लग जाता है कि ना पढ़ने का मन करता है ना काम करने का। तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, जितना मैक्सिमम हो सके कोशिश करिए, निकालिए 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम मिले अपना बेस्ट दीजिए। बट येस, और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ जो मैं कर रही हूँ वो बेस्ट है और मैं एग्ज़ाम को क्लियर करके रहूँगा करके रहूँगी। जब आप में ये पॉजिटिविटी होगी तब डेफिनेटली एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, आपके अंदर अच्छी बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। एंड अपना ध्यान भी रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी सराउंडिंग में रहें, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। और जो पॉजिटिव लोग हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लाइक योर मदर्स, जैसे मेरी मदर मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, मतलब शी इज़ माय स्ट्रेंथ, अभी राइट नाउ शी इज़ नो मोर, अभी वो नहीं है, लेकिन अभी भी वो मेरे को एक पॉजिटिविटी देती हैं, मुझे स्ट्रेंथ देती हैं, जिससे मैं अभी तक आज तक हर एक प्रॉब्लम्स को पार करते करते अभी तक खड़ी हूँ। तो इसीलिए अपने जो भी आपके मोटिवेटर हैं, जो भी आपके आइडियल हैं, उनको हमेशा अपने साथ रखिए और जो भी आप वो बोलते हैं उस बात को फॉलो करने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम्स आपके, मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरे पूरे चांसेस यही हैं कि TGT के एग्ज़ाम्स तो अगले साल होंगे, तो यू हैव गुड टाइम टू प्रिपेयर। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।